हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरा चैनल सुषमा संगम ब्लॉग में। तो आज हम लोग बुद्धिस्ट का न्यू ईयर व्रत पे आए हैं। 3 दिवसीय व्रत होता है ये हम लोग का। तो हिंदुज़म में बोला जाए तो ये हम लोग का व्रत होता है। तो ये व्रत के बारे में भी मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं ये बताऊंगी कि ये जो व्रत होते हैं हम लोग घर कोई कास्ट का भी व्रत देख सके हैं हमारे बुद्धिज़्म में। तो मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी न्यू ने हम लोग क्यों देते हैं उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले आज हम वीडियो शुरू करते हैं, तो मैं आप लोगों को बताते जाऊंगी। तो मैं आप लोगों को आज हम लोग न्यू ने क्यों बैठ रही है व्रत बैठ रहे हैं बुद्धिज़्म, सारा बुद्धिज़्म जो भक्तजन है सारा लोग क्यों न्यू बैठ रही है उसका मैं मतलब आप लोगों को मैं छोटकर में बता रही हूँ। तो हमारा आज अभी ये आने वाला शनिवार सैटरडे जो है लाभ दुछेन का जो है तिथि पड़ रही है। तो ये लाभ दुछेन हम लोगों का जो भगवान बुद्ध अपना मातृगुण देवाचुन सिंघम में जाके अपनी माता को अपनी जितना भी ज्ञान उन्होंने हासिल किया अर्जुन किया वो ज्ञान जो है अपनी माँ को बांट के उसी दिन फिर ये धरती पे जो उनका आगमन हुआ तो उस दिन को हम लोग लाभ दुछेन बोलते हैं। तो लाभ दुछेन मतलब मातृगुण तीरना होता है जो कि हर संतान को अपनी माँ का अपना गुण स्मरण करके माँ को अपनी माँ को हर तरह से खुश रखना है, कुछ भी अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सके तो वो करना है। इसलिए भगवान बुद्ध ने भी अपना जो ज्ञान प्राप्त किया तो उस समय भगवान बुद्ध ने भी सोचा कि मेरा ये जो मैंने जो ज्ञान हासिल किया उसका श्रेय किसको जाता है, ये सोच के भगवान बुद्ध ने ऐसा सोचा। तो उन्होंने अपनी माँ के बारे में सोचा कि अगर माँ इस दुनिया में नहीं होते तो मैं भी नहीं होता, इसलिए ये सारा जो है मेरा श्रेय मेरी माँ को जाती है बोल के अपनी माँ को अपना सारा ज्ञान जितना ज्ञान अर्जन किया था भगवान बुद्ध ने वो ज्ञान माँ को दे के आए थे इस धरती पे। तो उस दिन को हम लोग लाभ दुछेन बोलते हैं। तो वो लाभ दुछेन जो है ये आने वाला सैटरडे को पढ़ रहे हैं। तो हम लोग इस आधार पे यहाँ पे न्यू ने व्रत रख रहे हैं। तो आगे का और भी कुछ जानकारियाँ जो है मुझे जितना पता था मैंने बता दिया आप लोगों को, और जितना मुझे और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों के सामने रखूँगी। तो बस बने रहिए मेरे वीडियो के साथ मेरे साथ। अभी हम लोग का धर्म गुरु
पहुंच गए हैं। तो हम लोग सुबह के 2:30 बजे उठ के अभी हम लोग गुम्बा के अंदर में पहुंच चुके हैं सभी लोग, आप देख सकते हैं। तो अभी हमारा जो धर्मगुरु है वे 4:00 बजे में यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो हम लोग वहाँ के आने से पहले सब लोग आके रेडी हो चुके हैं। तो कल का मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि कल हम लोग नहीं बोल सकेंगे, नहीं बोलना है। कल का जो हम लोग का व्रत है वो हम लोग बिना बोले हम लोग व्रत रखना है। अगर जो कोई बोलेगा तो जो हमारा सील है, नियम है, वो तोड़ जाएगा। तो वो नहीं बोलने वाला व्रत है, तो इसलिए हम लोग को वीडियो करने का अलाउ भी नहीं है। तो कल मैं वीडियो भी नहीं करूँगी। तो संडे हमारा ये व्रत ख़त्म होगा। तो आगे का मैं वीडियो आप लोगों के साथ रखते जाऊंगी, लेकिन कल का छोड़ के। तो बने रहिए मेरे साथ। एक बार आफ्नो शत्रुलाई दिएको, एक बार आफूले खाएको भरमा। यो चाहिँ अब विनायक भुटियाको सिद्धान्त हो। भगवद्गीताले पहिले गरे एन घेनुहरूको घेनु भन्ने गर्नुपर्ने। अभी हमने ये जो चार बनाया है इसके बारे में बता रहे हैं। हमने ये राइस का बनाया है ऐसे। अलिकति रहन्छ त्यो चाहिँ यस्तो दबाउनु, माथि अलिकति रहन्छ त्यो रहन्छ बढी उठाउने, यस्तो उँधो थिच्नु, उँधो थिचेर अलिकति रहन्छ त्यो चाहिँ यस्तो तिन हातले यस्तो गरेर चाहिँ चुच्चो बनाउनु। तो हम लोग अभी रेस्ट पे आए हुए हैं। तो बस थोड़ी देर तक रह गया है फ़ोन यूज़ करना, तो इसलिए सब लोग अपना अपना फ़ोन देख रहे हैं। और अभी हम लोग 1:15 के बाद हम लोग फिर गुम्बा के अंदर चले जाएंगे, बुद्धिस्ट टेंपल के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद हम लोग फिर मानी मलम पाठ करते करते परसों संडे तक बिना कुछ खाए बिना कुछ बोले हम लोग पाठ करेंगे, मानी मलम करेंगे। और यहाँ पे मैम सोए हुए हैं, आराम कर रहे हैं।
और अभी हम लोग फ्राइडे 11 बजे खाना खा के अभी सीधा आज हम संडे 5:30 बजे ले रहे हैं, तो अभी चाय ले रही हूँ। अभी हल्का खोली खा लिया, खोली और आलू दम, तो बस ऐसा रहा हम लोगों का निम्न उपवास। तो आगे का अपडेट मैं देती रहूँगी। तो बाहर का नज़ारा मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। हमारा 7 मील का गुम्बा है, गोपालधारा ही पड़ता है। तो आज हम अभी 1:15 में गुम्बा के अंदर घुसेंगे। तो अभी के लिए हम लोगों ने पूजा समाप्त कर लिया। तो अभी हम लोग टी ब्रेक हुआ है, तो उसके बाद हम लोग फिर से पूजा में बैठेंगे और सीधा 7:30 पे हम लोगों का ब्रेक होगा। तो अभी भी जस्ट आधा घंटा के लिए। कल का वीडियो में आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि कल हम लोग नहीं बोल पाएंगे, तो इसलिए
Thank you.
व्रत जो है आज जाके पूरा होता है। तो आफ्टर 4 डेज बाद का हमारा ये लास्ट प्रसाद बोले या फिर खाना बोले एक ही बात है। तो हम लोग अभी पुलाव खा रहे हैं और खीर और यहाँ पे सब्जी और यहाँ पे सब लोग अपना अपना प्रसाद छोप ग्रहण कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ हमारा ये निमने का प्रोग्राम। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बोलना मत भूलिए। तो नेक्स्ट ब्लॉग ऐसे ही धार्मिक या फिर अन्य और भी कुछ वीडियोस लेके मैं फिर वापस आऊँगी। तब तक के लिए टाटा बाय-बाय एंड सी यू सून। आमीन। लास्ट वीडियो लो मामे हेरिदिनुहोस्।